खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। खबर सोनसी में एक बार फिर से विशाल पटेल के साथ आपका स्वागत है। ले चलते हैं गाजीपुर और दिखाते हैं आर्यन राय की यह रिपोर्ट। गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र के सिरगीथा में कल रात दो सगे भाइयों विजय राम और प्रद्युमन राम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। विजय राम जिनकी उम्र करीब 45 वर्ष थी, वो बसपा के सेक्टर अध्यक्ष थे और उनके छोटे भाई प्रद्युमन राम बसपा के कार्यकर्ता थे। दोनों सिरगीथा बाजार में साइकिल की दुकान चलाते थे। कल दोनों भाई जब अपने अपने घर वापस जा रहे थे तभी दोनों को गोली मारी गई, जिसमें विजय राम की मौके पर ही मौत हो गई और प्रद्युमन राम की मौत वाराणसी में इलाज के दौरान हुई। बसपा के जिलाध्यक्ष गुड्डू राम ने बताया कि पिछले वर्ष 14 अप्रैल को कुछ लोगों ने दोनों भाइयों की साइकिल की दुकान जला दी थी। बाद में दोनों पक्षों में कुछ रकम की लेन देन कर समझौता हुआ था। बाद में आरोपी उस पैसे को वापस करने की बात करने लगे, जिसको न देने पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। मेरे पिताजी को गोली मार दिया गया। पता चला कौन लोग मारे? पता तो चला है, पिताजी बता रहे थे। क्या बताए? कि जब घटना हुई थी तो पिताजी आपके जीवित रहे होंगे? हाँ, तो बड़े पापा तो तुरंत खत्म हो गए थे। हाँ। तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन पहुंची तो बोली कि आप लोग एम्बुलेंस का वेट कर रहे हैं। एम्बुलेंस का वेट जब तक करेंगे तब तक में तो पहले से लेकर चले जाएंगे आप। तो हम लोग नंदगंज तक लेकर आए, फिर उसके बाद पिताजी ठीक से बोल रहे थे हमें बचाओ बचाओ जल्दी। और क्या बता रहे थे, कौन लोग गोली मारे, कुछ बताए वो? ओ, ये तो नहीं बताए हमको, हमारे छोटे भाई को बताए हैं। छोटे भाई से बात हुई आपकी? अभी तो बात नहीं किए हम। गोली मारने की वजह क्या लगती है आपको, पता है क्यों मारे होंगे लोग? अब इस मैटर को हम क्या बताएं सर। देखिए, दो हमारे समाज के भाई थे, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी थे, विजय और प्रद्युमन दोनों सगे भाई थे। विजय जी सिरगीथा चट्टी पे साइकिल की दुकान चला का काम करते हैं, पार्ट्स भी बेचते हैं और रिपेयर का भी काम करते हैं। रहने वाले वहाँ से 2 किलोमीटर पूरब साइड में कुकड़ा गांव है, वहीं के वो रहने वाले हैं। कल शाम वापस जा रहे थे, उसी समय सिरगीथा चट्टी से लगभग 500-600 मीटर दूरी पे अपराधियों ने उन दोनों भाइयों को गोली मार दिया, जिसमें ऑन स्पॉट विजय राम की तो मौत हो गई, लेकिन प्रद्युमन बीएचयू जाते जाते वह भी दम को तोड़ दिए। विजय राम जी हमारे पार्टी के सेक्टर अध्यक्ष थे, हमारे पार्टी के एक वफादार कार्यकर्ता थे और बहुत अति सज्जन और बहुत पुअर परिवार का वो नौजवान साथी। कोई राजनीतिक उनसे इस तरह की कोई बातें नहीं है। क्या कारण लगता है? कारण तो जो वहाँ के लोगों से बताने के अनुसार यही महसूस हो रहा है कि अगले साल 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती के शुभ अवसर पे उनकी दुकान को कुछ लोगों ने जला दिया था और जलाने के बाद उसमें नामित FIR हुआ था। FIR के बाद सुलह समझौता सामाजिक दबाव में या सामाजिक लोगों के बैठ करके हुआ था, लेकिन कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग जो पैसा विजय राम की दुकान से क्षतिपूर्ति हुई थी उसको पूरा करने के लिए दिया गया था, उस पैसे को वापस लेने के लिए दबाव बना रहे थे और जिनके वजह से कल विजय राम को गोली मारा गया। विजय राम मेरा अच्छा होनहार कार्यकर्ता है, पूरी संवेदना उसके परिवार के लिए मेरी है। हम लोग बहुजन समाज पार्टी की नेता मान्या बहन कुमारी मायावती जी, कल हमारे पार्टी के प्रदेश कार्यालय से माननीय मेवालाल साहब ने मुझे फ़ोन किया, अवगत कराया कि पार्टी की तरफ से हर संभव जो भी मदद होगा। हमारे सांसद अफजाल अंसारी ने मुझे खुद ही कहा है सुबह फ़ोन करके कि आप मौके पर जाइए और जितना बन सकेगा उस परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं और उनका सहयोग करेंगे। इसके बाद वह परिवार अति गरीब है, उसकी जवान 6-6 बेटियाँ हैं, एक बेटी का हाथ पीला कर चुका है विजय और दूसरी बेटी की शादी मई महीने में है। मैंने DM साहब से अनुरोध भी किया है कि इसके बाद
उस परिवार को सरकार के द्वारा जो राहत की व्यवस्था है उसको तत्काल कराई जाए। जनपद गाजीपुर के नंदगंज थाना अंतर्गत सिरगढ़ा मार्केट में साइकिल की दुकान थी दोनों भाइयों की, साइकिल रिपेयरिंग की, और ये लोग साइकिल से अपने गांव को कुढ़ा जा रहे थे तो रास्ते में सुनसान स्थान पर इन पे किसी ने गोली चलाई है, जिसमें एक भाई विजय की यहाँ पे जिला अस्पताल में जब लाया गया तो उन्हें मृत घोषित किया गया और दूसरे प्रद्युम्न को सीरियस स्थिति में बनारस रेफर किया गया था जहाँ देर रात्र उनकी मृत्यु हो गई है। इस संदर्भ में परिजनों ने थाना नंदगंज में अभियोग पंजीकृत करा करके और दो लोगों को नामित किया है। हमारी टीमें लगी हुई हैं, शीघ्र ही इसमें हम गिरफ्तारी करके आगे की कार्रवाई करेंगे। प्रथम दृष्टया जिन लोगों को नामित किया है उन एक साल पहले इनकी दुकान को डैमेज करने की घटना हुई थी, जिसमें लोगों ने इनके परिजनों ने बताया कि लोगों ने पैसा ऐसा इनको दिला दिया था, संभवतः वही रंजिश सामने आ रही है। बाकी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, शीघ्र ही जो भी सही तथ्य होंगे उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। सर, दूसरे भाई की मौत रास्ते में हुई या इलाज के दौरान? नहीं, इलाज के दौरान रात में करीब प्रातःकालीन।